आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसके चलते सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रेस वार्ता आयोजन की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संकल्प पत्र में पेपर लीक के खिलाफ प्रावधान रखा गया है, जिसके साथ प्रदेश में नकल विरोधी कानून की बदौलत हजारों लोगों को नौकरी मिली है जो नकल विहीन हुई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने अपने उत्तराखंड दौरे में पेपर लीक कानून लाने के लिए कहा है तो शायद कांग्रेस पार्टी ने उनको करीब 6 महीने पुराना भाषण लिख के दे दिया होगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। संविधान के अनुरूप आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। पेपर लीक भी जो है नियंत्रण के लिए भी प्रभावी कानून देश के अंदर लाने का संकल्प पत्र में संकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया। उसमें पेपर लीक पर भी बात की गई है कि पेपर लीक पर कानून बनेगा। इसमें भी हमें ये बताते हुए आप सब खुशी है कि हमने उत्तराखंड के अंदर एक बहुत कड़ा कानून, नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में पहले ही हम बना चुके हैं और उसके कारण से आज प्रदेश के अंदर हजारों हजार पिछले 2 सालों में हजारों हजार लोगों को हमने नौकरियां प्रदान की हैं और वो सारी की सारी नकल विहीन हुई, पारदर्शिता के साथ हुई, बिना पेपर लिखे हुई। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों आज नौकरी में आने का अवसर प्रदान हुआ है।